मैं जो बात रख रहा हूँ मार्केटिंग सिस्टम में, देखिए वहां पे कंपनी जितने भी रजिस्टर हैं उनकी यादी वहां पे दी गई है, और वही यादी पे आप देख सकते हैं अमेजॉन के शेयर्स वहां लिस्टेड है या नहीं, या रजिस्टर है या नहीं। तो अभी लोग बोलेंगे कि फिर इतनी मेट्रो सिटी है वहां पे ऑफिस क्यों नहीं। इंडिया में बॉम्बे ऐसी या मुंबई हम बोलेंगे तो इसको आर्थिक राजधानी बोली जाती है, और वहां पे उनका ऑफिस नहीं है। तो ये बातें थोड़े से गफलत ला रही है लोगों के दिल में। तो मैं तो कहूंगा कि ऑफिस ऑफिस ही सिस्टम से चलेगा, और अपने को कंपनी ने ब्रिटिश एग्जिस्ट होने के कारण वहां से हम निकल चुके हैं ये डॉक्यूमेंट बता दिए हैं। उसके बाद में डेलावेयर में हमने रजिस्ट्रेशन किया, ना कि ऑफिस ऑथराइज वहां पे है। तो डेलावेयर की सिस्टम में जो हमने यहाँ पे पढ़ाया था, नहीं तो अभी ग्रुप पे पूरी जानकारी डेलावेयर की घूम रही है, तो उसमें देख सकते हैं डेलावेयर में मालिक का नाम, एजेंट का नाम मांगा जाता है, और पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से आप वहां जाने की जरूरत नहीं। ऑन द स्पॉट जैसा ऑनलाइन हम रजिस्ट्रेशन करते हैं उसी तरह वहां पे रजिस्ट्रेशन होता है। और आप अगर डेलावेयर का डॉक्यूमेंट देखेंगे तो वहां पे एजेंट के नाम का भी वहां नो यानी वहां पे दिख रहा है। तो आगे जाके कंपनी के सीओओ इन्होंने अप्रैल महीने के जो न्यूज आई थी यानी मैगजीन, मैगजीन ये किसका है, कंपनी का ही, ना कि कोई हमने या तुमने बनाया। तो उसी में उन्होंने बता रह दिया है कि डेलावेयर प्रोसेस के लिए क्या हो रहा है, जो हमारी अंतिम स्थिति में हम है। तो अभी यहाँ पे भी हेडक्वार्टर नहीं है, हेडक्वार्टर पूरे वर्ल्ड का मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन पहला जो रजिस्ट्रेशन है उसी सिस्टम से, ये झा लाइफ का है। और हम जो पैकेज बाय करते हैं, मैं तो बोलूंगा पैकेज भी नाम मत लो, हम जो वाउचर लेते हैं आप स्टडी करिए, ना कि किसी बंदे के बोलने से, आप खुद स्टडी करिए। नॉर्ड्रिक का पता नहीं चेंज हुआ है या नॉर्ड्रिक कहाँ पे है, हमारी पीवी कर रहा है और हम पीवी का पेमेंट देते हैं, ना कि जहलाइफ के अकाउंट में पेमेंट चला जाता है। तो इसको थोड़ा समझ के लीजिए, लोग इस संभ्रम में है। और सर मैं यहाँ पे और एक बात रखूंगा कि आज तक कंपनी ने जो जो बोला उस सिस्टम से हमने 26 कैटेगरी हमने यहाँ बिजनेस के रखे हैं, यानी कंपनी जो प्रोजेक्ट बनाने वाली है उसकी 26 कैटेगरी है, वर्क करने वाली है। उसी में से आप टैली कर दीजिए कि 33 मिलियन लोगों को इकट्ठा लाना था, वो लेके आई। भले शेयर्स को 0.01 से लेकर आपके पास 1 यूरो तक देना था, वो भी 30 लाख लोगों को दे दिया। आपके आईडी में प्रूफ है, आप देख सकते हैं जो पुराने 30 लाख लोग हैं। और यही लोग मेरे ग्रुप में भी बातें हो रही है कि बशीर शेख का कोई भी यहाँ पे लेक्चर न सुनिए। तो आप मेरे को बताइए, मैंने जो बात रखी आपके आईडी में, कल देखना या आज देखना, कल से सेशन मेरा 3 दिन है ही है, अगर वहां पे कुछ गलत है तो मेरे को बात रखना। तीसरी बात ये है कि ऑफिस की बात, हेडक्वार्टर की मैं बात कर रहा हूँ, ना कि लोकल। अभी लोकल ऑफिस क्यों बोलूंगा मैं, तो इंडिया का लोकल ऑफिस आपको यहाँ पे पता है कई बातों से वो बंद है, लेकिन ऑफिस का एड्रेस चेंज नहीं हुआ है, तो हमें इंडिया में ऑफिस है, ये तो बात सही है। और नॉर्ड्रिक के हम पेमेंट दे रहे हैं, तो आगे जाके ये ऑफिस खुलेंगे, थोड़ी सी मेरी कड़वी बात लगेगी कि ऐसा क्यों बात रख रहे हैं। तो ये जो ऑफिस नहीं है, ऑफिस नहीं है, इस सिस्टम से लोग गुमराह कर रहे हैं। तो कंपनी ने वहां पे सीधे सीधे बोल दिया है कि हम हेडक्वार्टर को रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और फाइनल स्टेज में चला जाएगा। तो अभी यहाँ पे दूसरी एक बात आती है, मैं तुम्हारे को उधर के ओर ले रखे जा रहा हूँ। शेयर्स कंपनी के बायबैक में होंगे तो किस कंपनी के होंगे, सही बात है, क्योंकि आज एलएलसी अभी का वापस होने वाला है, झालाइफ का बात वापस होने वाली है क्या कहेगी। तो पहले क्या शॉपिंग को, शॉपिंग नाम था जहा लाइफस्टाइल शॉपिंग, तो इसमें अभी तक कंपनी ने नाम नहीं दिया है आपको शेयर किस सिस्टम के दिए हुए, खाली ओनली फ्यूचर शेयर्स दिए हैं।
तो आप मेरे को बताइए, कई लोग मेरे में सवाल भी आया था कि झा लाइफ स्टाइल के शेयर बायबैक होंगे, ये बात सही है? हम झा लाइफ जानते हैं ना ही फ्यूचर शेयर्स, और कंपनी यहाँ पे फ्यूचर शेयर्स को बायबैक देने वाली है। ये सिस्टम कितना होगा ये भी अभी हमें पता नहीं, और ये कंपनी ये क्यों कर रही है? तो यहाँ पे थोड़ी बहुत लोगों को इनकम मिले, ये मकसद होगा। मेरे को पता नहीं है उनका क्या मकसद है, मेरे ओपिनियन से मैं बात रख रहा हूँ। अगर इसमें से भी 10%, अभी देखो पुराने साथी हैं उनको तो कंपनी ने 0.10 से दिए, तो उस वक्त की वैल्यू उसको 178 यूरो मिले अगर रजिस्ट्रेशन करते हैं 0.20 से, तो या 0.30 से जिसको मिला है 178, और फिर कंपेन चलाता तो उसमें 5 यूरो 10 यूरो ऐसा सिस्टम मिला के 100 यूरो के शेयर आपको दे दिए हैं। तो मैं तो बोलूंगा 350 शेयर आपको गिफ्ट में मिल गए। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद जिस बंदे का आपने रजिस्ट्रेशन किया, महेंद्र सर जी मैं 10-5 मिनट लू क्या, अगर परमिशन है तो थोड़ी बात रखनी थी। थैंक यू। तो ये बातें हो रही है, और आगे जाके ये जो शेयर्स चलेंगे तो इसको हमें समझ लेना है कि 250 यूरो के शेयर्स हमारी कंपनी ने वहां पे बांटे हैं या दे रखे हैं, तो उसकी वैल्यू आज हमारे पास 1000 यूरो हो चुके है कि कंपनी की डॉक्यूमेंट से, क्योंकि हमें 0.010 से लेकर 1 यूरो तक दिया है, और 1000 यूरो में हमने वहां पे 10 यूरो ये रजिस्ट्रेशन के लिए हमने दिए। तो मैं तो बोलूंगा कंपनी अगर यहाँ पे 250 यूरो के शेयर्स में आपका बायबैक 10% भी कर देती है तो 25 यूरो बैक बाय में चला जाएगा, और ये सभी कैलकुलेशन आप खुद करिए, ना कि मेरे कहने से या किसी के कहने से। तो अगर आपने 10 यूरो नॉटरी को दे रखा है खुद का, तो 25 यूरो अगर बायबैक में 10% से भी आप शेयर दोगे तो आपकी 25 यूरो रिटर्न आ जाएंगे। तो इसका कैलकुलेशन लगाइए, ना कि एड कब चालू होगा, ना कि हमें यहाँ पे यही ख्याल रखना है हमने 10 यूरो दिया है, हमारा 25 यूरो शेयर्स में मिल रहा है, हमने डाला हुआ पेमेंट निकल गया। अभी कई बंदों ने यहाँ पे पैकेज बाय किए हैं, तो उनको कंपनी ने यहाँ पे जो आपने 300 या 500 का जो पुराना साथी है उन्होंने एड पैक ले रखा है जिसकी वैल्यूएशन 52,000 थी या 51,200 थी, ये जो लोगों ने ले रखा है तो कंपनी ने वहां पे उनको 5 गुना शेयर दे रखे हैं, 500 यूरो को 2500 यूरो के शेयर दे रखे हैं। अगर उसी में से भी 10% कंपनी को रिटर्न करते हैं तो 2500 × 10 यानी 10% हम देने वाले हैं, तो 250 यूरो के क्वाइन आप वहां पे दे रहे हो, और 250 यूरो में आपने तो यहाँ पे 500 यूरो डाल दिया, 2500 होता है, और आपने अगर एपीएस लिया है ये पहले स्टेप में चला जाएगा, और सेकंड स्टेप में भी 10% कंपनी को देते हैं आप, तो मैं स्टेप बोल रहा हूँ, पहली स्टेप में 10% हो या 20% जब भी कंपनी को रिटर्न करेंगे तो आपके 500 यूरो रिटर्न आ जाते हैं, और आप वहां पे क्वाइन के सिस्टम से भी इनकम ले सकते हो। तो इसका कैलकुलेशन आप खुद लगाइए, ना किसी लीडर पे रहिए या मैं बोल रहा हूं करके, नहीं हमने पैसा डाला है हमको पैसा निकालना है, और रहे सो बेनिफिट, अगर कंपनी पे विश्वास है आपको तो रखे, और आगे जाके यही सिस्टम आगे जाके बढ़ा देने वाली। अब उस वक्त हमने विश्वास रखा जिस वक्त इस कंपनी में हम ज्वाइन हुए, ना कुछ नहीं था, एड व्यू नहीं था या रोड मैप कुछ है वो पता नहीं था, एड आएंगे इतनी बार बोल रहे थे। तो आज कंपनी ने आपके पास उसमें से भले 80% भी रखने दो, 10% अगर वर्क किया है तो आप कंपनी पर खुद विश्वास रख सकते हैं, ना कि किसी के बोलने पर। तो थैंक यू महेंद्र सर जी, ओवर टू यू। थैंक यू बशीर शेख सर। साथियों बातें समझ में आएंगी, कुछ धीरे धीरे आएंगी, और जो मेरे भाई हैं पॉजिटिव हैं उनके बारे में कुछ कहना ही क्या। एक हमारे बीच बेनी जी हैं, उनको मैंने अनम्यूट किया है,
वेलकम है मैम, आप आए और आप क्या पूछना चाह रही थी या मंच पे कुछ रखना चाह रही हैं, तो वेलकम है मैम आपका।